नमस्कार दोस्तों दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो है DC पावर सप्लाई, क्योंकि DC पावर सप्लाई हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। DC पावर सप्लाई के बिना आप फोन रिपेयर का काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपके पास DC पावर सप्लाई होना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे पास दो कंपनी का DC पावर सप्लाई है। एक है सनशाइन का DC पावर सप्लाई और एक है अपना कोराड का, जो खूब ज़्यादा मार्केट में भी कोराड का चला हुआ है, सनशाइन का भी चला हुआ है। सनशाइन कंपनी एक और नया अपडेट DC मशीन लेकर के आ चुकी है। अगर आप उसका वीडियोस का रिक्वायरमेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ दिन में वो मशीन आने वाला है। यदि कॉमेंट रहेगा तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उसमें अपडेट है। अभी का नया मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज उसमें नया दिया है, चेंजिंग दिया और काम फंक्शन भी अच्छा दिया हुआ, अधिक दिया हुआ है। क्योंकि जब हमारे पास DC पावर सप्लाई आया था उस समय भी सनशाइन कंपनी सबसे अपग्रेड पहले लाई, वैसे ही अभी भी सनशाइन कंपनी इस DC मशीन का एक अपग्रेड वर्जन भी ले आया है, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग दुकान भाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे समय के अनुसार मोबाइल फोन का मदरबोर्ड को अपडेट कर रहा है ना, वैसे वैसे मशीनों को भी अपडेट करना जरूरी है और वैसे वैसे मोबाइल रिपेयरिंग भाई को भी अपडेट होना जरूरी है। अगर रिपेयर आप कर रहे हो और अपडेट नहीं होगे ना भाई, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आप चले जाओ अभी से 15 साल पीछे, मतलब 2009-10 में चले जाओ। उस समय सबसे डिमांडेड फोन कौन चलता था? नोकिया। सभी का दिमाग में कौन सा फोन था? नोकिया। कोई खरीदेगा तो कौन फोन? नोकिया। और आज नोकिया का नाम निशान नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? जब अपना 2013-14 के आसपास एंड्रॉइड अपना नया अपडेट लेकर के आया और एंड्रॉइड बोला कि नोकिया भाई हमारे साथ काम करो, तो नोकिया ने उसे इग्नोर किया, मतलब अपडेट होना नहीं चाहा, जिसके कारण वो मार्केट से निकल गया। जब हम 2010-11 में फोन खरीदते थे तो सबका जुबान में नोकिया था, सैमसंग सेकंड नंबर पर था, सैमसंग कोई को पूछता नहीं था, खरीदता नहीं था। लेकिन उसके बाद जो नंबर वन मार्केट में आया वो हमारा सैमसंग का फोन आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया और सैमसंग कंपनी एंड्रॉइड के साथ अपने आप को अपडेट किया, अपने आप अपने अंदर कुछ नई नॉलेज को अपग्रेड किया। वैसे ही आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हो ना, तो अपने अंदर हर समय अपडेट करना पड़ेगा, या यूट्यूब से अपडेट हो या किसी टीचर से अपडेट हो, लेकिन अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही समय के अनुसार से अपने मशीन को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप समय के अनुसार से अपने डिवाइस को, मशीन को, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करोगे तो भाई साहब मार्केट से आपको निकल जाना पड़ेगा या मार्केट में आप पीछे रह जाओगे। तो समय के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम DC पावर सप्लाई का, कुछ बच्चे का रिक्वायरमेंट था कि सर DC पावर सप्लाई में, जो नए बच्चे हैं भाई, यदि आप पुराने हो, पहले से दुकान चला रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप जानते हो तो बढ़िया है, लेकिन हमारा काम है, हम एक टीचर हैं, बच्चे लोगों को नॉलेज देना, तो नए बच्चे पुराने बच्चे सभी के बारे में हमें देखना पड़ता है। तो इस मशीन का जो ये बटन्स हैं, इस सारे बटन के बारे में आज बताने वाले हैं। तो इधर मेरा सनशाइन है, इधर मेरा कोराड है, दोनों सेम जैसा दिख रहा है, कंपनी अलग अलग है, डिस्प्ले वगैरह सेम दिख रहा है, बटन वगैरह सारे चीज़ इसमें भी M1, M2, M3, M4 है, इसमें भी लॉक है, OCP है, OBP है और ऑन ऑफ है, सेम उसमें भी है, M1, M2, M3, M4 है, लॉक है, OCP है, OBP है और ऑन ऑफ है। यहाँ पे वोल्टेज, करंट, एम्पियर को घटाना बढ़ाना है, लेफ्ट राइट जाना है, अप डाउन जाना है। देखो एक मशीन में समझाएंगे, दोनों मशीन में हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर सेट है, यहाँ पे जो शो होता है वो वोल्टेज और यहाँ पे जो शो होता है एम्पियर होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप जिस बटन को प्रेस करोगे उसमें लाइट चलेगा, मतलब वो चीज़ हमारा ऑन है। M1 में लाइट चल रहा है, मतलब M1 प्रेस किया, M2 में जब तक प्रेस करेंगे तो M2 में दिखेगा जो करेंगे। अब यहाँ पे M5 का बटन नहीं है, M5 का ऑप्शन है, M5 में जाने के लिए एक बार इसको प्रेस करो, एक बार ऐसे क्लिक कर दो तो चले गए हम M5 में। M1, M2, M3, M4 जो है भाई सब, ये इसलिए है, ये अलग अलग करंट एम्पियर को सेट करके आप रख सकते हो, जब जो जरूरत है बटन दबाओ और वो करंट एम्पियर का इस्तेमाल कर लो, यूज कर लो, इसलिए बटन को दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, यहाँ से हम
यहाँ से हम एंड्रॉयड फ़ोन चालू करेंगे, और एंड्रॉयड फ़ोन चालू करने के लिए हम वोल्टेज जो सेट करते हैं 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर। तो सेट कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये जो है ना वोल्टेज और करंट लिखा है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 कर दिए, राइट जाना है तो यहाँ पे जा करके 4.2, भाई साहब 4.2 हो गया। 4.2 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, एम्पियर 2 एम्पियर का ज़रूरत होता है। इस पर क्लिक किए, फिर से एक बार क्लिक कर देंगे इसी को, यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे 2, मतलब ये सारे बटन यूज़ हो गया, ये बटन हमारा यूज़ कर दिए कि M2 में हम क्या सेट करिए, 4.2 वोल्टेज 2 एम्पियर, मतलब इससे हम एंड्रॉयड फ़ोन को चालू करेंगे। यहाँ पे प्रेस करते हैं M1 में 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर, हम चाहते हैं कि M1 से हम कीपैड फ़ोन को ऑन करें, तो इसको कीपैड फ़ोन को ऑन करने के लिए 3.9 वोल्टेज और 1 एम्पियर इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई 2 एम्पियर भी करता है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से इसको घटा बढ़ा सकते हो। हम 3.9 वोल्टेज और 1 एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। चलो यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे कैसे घटाना है, तो देखो ये रहा 4 और 3.9 हो गया, यहाँ पे करना है 1, तो कर दिए 1। बिल्कुल सिंपल है, एक बार अपने मशीन में प्रैक्टिकल करके देखोगे। ये वीडियो कौन बच्चों के लिए, जो नए हैं, फ्रेशर हैं, जो डीसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए। तो M1 में सेट कर दिए, M2 में सेट कर दिए, M3 में भी सेट किया हुआ है, वैसे आप अलग अलग जगह पर M4 में भी सेट करना चाहोगे, M5 में भी करना चाहोगे, तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कर सकते हो। डीसी मशीन का रेड वायर को यहाँ पर लगाओगे, ब्लैक वायर को यहाँ पर लगाओगे। डीसी मशीन से जब चालू फ़ोन करना है या कुछ करना है तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे प्रेस करोगे तो वोल्टेज हमारा आउट करना शुरू कर देगा। इस मशीन के द्वारा फ़ोन को कनेक्ट करके कैसे फ़ोन को चालू करते हैं, अगर आपको जानकारी तो बढ़िया है, नई जानकारी तो नीचे कमेंट करो, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रहेगा ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोज़ को बहुत ही कीमती समय देकर के देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।